क्वांटम केमिस्ट्री में अभी तक आप लोगों ने जितना कुछ भी पढ़ा है उस सबको आप लोग अप्लाई कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ आइडिया सिस्टम के ऊपर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर आपके पास रियल प्रॉब्लम्स होती है तो उसके ऊपर आप लोग कैसे क्वांटम केमिस्ट्री को अप्लाई कर सकते हो। आपको जरूरत पड़ती है अप्रोक्सीमेशन मेथड की। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑफ यूनिट नंबर 2, जहां पर हम लोग बात करेंगे कि आखिर अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या होता है, उसके पीछे का आइडिया क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 1 of unit number 2 of quantum chemistry. Unit 1 आपकी complete हो चुकी है, सारे के सारे lectures मैंने already upload कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो। आपको सिर्फ और सिर्फ RJ Academy के YouTube चैनल के ऊपर जाना है, वहां पर जाकर आपको पहले सेक्शन के अंदर क्वांटम केमिस्ट्री की अलग से बेस देखने को मिल जाएगी। स्टार्टिंग से ऑन कर लो, सब कुछ आपको समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको हर छोटी छोटी बातें बताई हुई है, और अगर आपने सारे के सारे lectures देख लिए हैं तो आपको अब यूनिट 2 के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ईजिली आप लोग इस यूनिट को कवर कर पाओगे, और जितने भी क्वेश्चन आपके पास यहाँ से आने वाली है उनको आप लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हो। और जब भी आपके पास यहां से क्वेश्चन आएगा तो आपके पास 4 मार्क्स का ही आएगा, जिसको आप लोग विद इन 30 सेकंड और 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो। अब इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले कितने लेक्चर्स यहां से आएंगे, कितने मार्क्स की पूछ जाती है, इसका सिलेबस क्या है और कैसे हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कवर करेंगे, उन सब बातों को करने से पहले बात करते हैं कि व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड अप्रोक्सीमेशन मेथड। क्योंकि अगर आपने सिलेबस देखा है अपने CSIR NET का तो वहां पर यूनिट नंबर 2 का नाम क्या है, अप्रोक्सीमेशन मेथड है। अब हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? आप लोगों ने यूनिट नंबर 1 के अंदर काफी ज्यादा ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, काफी कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो अब आपको यूनिट नंबर 2 की जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे का आइडिया क्या है? तो व्हाटएवर प्रॉब्लम्स वी हैव सॉल्व इन यूनिट नंबर 1 ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री इज फॉर आइडियल सिस्टम, मींस एग्जैक्टली सॉल्वेबल सिस्टम व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम द श्रोडिंगर इक्वेशन। आपने यूनिट नंबर 1 के अंदर क्या पढ़ा है? आपने पढ़े हैं 4 मॉडल्स, जिनकी स्टडी आपने कैसे की थी, विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन की थी। और जब आप लोग श्रोडिंगर इक्वेशंस को यूज करते थे तो वहां पर आपके पास एक इक्वेशन आती थी, डबल डिफरेंशियल आपके पास इक्वेशन आती थी, उसको आप लोग वहां पर क्या लिखते थे, डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन लिखते थे। और वो पास क्या होता था, वेव फंक्शन होता था, जिसके थ्रू आप लोग बाकी सब चीजों को निकाल सकते हो, एनर्जी को निकाल सकते हो, पोजीशन को निकाल सकते हो, एंगुलर मोमेंटम को निकाल सकते हो, मोमेंटम को निकाल सकते हो। लेकिन ये सब चीजें आपने तब निकाली थी जब आपके पास क्या था, फंक्शन था। और फंक्शन आपके पास कैसा आया था, आपने वहां पर उस फंक्शन को डायरेक्ट लिख दिया था कि आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये फंक्शन निकल कर आता है। लेकिन अगर आपके पास वो डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी आ जाए जिसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन आप लोग नहीं लिख पाओगे, तो उस केस में आप लोग कैसे चीजों को सॉल्व करोगे? और जो भी आपके पास रियल प्रॉब्लम्स होती है उसके ऊपर आप लोग श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप लोग उसका यूज करोगे तो उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको पता नहीं होता है। यानी कि श्रोडिंगर इक्वेशन के आपसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं एग्जैक्टली सॉल्वेबल सिस्टम, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, आइडियल सिस्टम बोलते हो। लेकिन अगर आपको पढ़ना है रियल सिस्टम तो आपको क्या यूज करना पड़ता है, आपको यूज करना पड़ता है अप्रोक्सीमेशन मेथड। और अब इस आइडियल सिस्टम से रियल सिस्टम के अंदर डेविएशन कितना है, कितना डेविएशन हुआ है, वो आपको बताएगा कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है। इस यूनिट के अंदर आपके पास 2 मेथड आएंगे, पहला आपके पास क्या आएगा, पर्टरबेशन, दूसरा आपके पास क्या आएगा, वेरिएशन लाएगा। अब ये डेविएशन कितना है वो आपको बताएगा कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, आपको पर्टरबेशन यूज करना है या फिर आपको वेरिएशन प्रिंसिपल यूज करना है। ये क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर ये डेविएशन छोटा होता है, यानी कि आइडियल से जो आप लोग रियल के अंदर जा रहे हो, जो डेविएशन हो रहा है, अगर वो डेविएशन छोटा है तो उसको आप लोग कैसे पढ़ते हो, विद द हेल्प ऑफ पर्टरबेशन पढ़ते हो। लेकिन अगर आपका डेविएशन होता है लार्ज, तो आपको क्या यूज करना पड़ता है, आपको यूज करना पड़ता है वेरिएशनल प्रिंसिपल। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपके पास स्मॉल है कि लार्ज है, उसके बारे में बात करेंगे इसी लेक्चर के अंदर, तो आप लोग लेक्चर के अंदर बने रहिए। लेकिन पहले देखते हैं कि आखिर आपके पास ये रियल सिस्टम और आपके पास ये आइडियल सिस्टम होता क्या है। तो बेसिकली जब आप लोग पढ़ रहे थे हार्मोनिक मोशन को, आपने यूज किया था क्या, SHO मॉडल, जिसका आप लोग पोटेंशियल डायग्राम बनाओगे तो कैसा बनेगा, आपके पास इस टाइप का वो डायग्राम बनता है। बेसिकली ये क्या शो कर रहा है, आपके पास मानते हो डायग्राम मॉलिक्यूल है, आपके पास मॉलिक्यूल क्या है, HI आपके पास मॉलिक्यूल है, I आपके पास यहां है, H इस तरीके से यहां पर क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। अगर आप लोग यहां पर इस मॉडल को ध्यान से देखोगे, जैसे जैसे आप लोग अपने वाइब्रेशन के एनर्जी लेवल को इंक्रीज करोगे तो आपका H जो है वो फास्ट मूव करता जाएगा, लेकिन किसी भी पॉइंट के ऊपर आपका जो H है ये मॉलिक्यूल को ब्रेक नहीं करेगा। क्योंकि आपका डायग्राम क्या बता रहा है, आपका डायग्राम बता रहा है कि जो आपका H एटम है, ये आपका जो H एटम है जितना इधर गया है उतना आपके पास वापस भी आएगा, और ये ऊपर अगर आप ड्रॉ करते हो इस तरीके से, आप लोग यहां पर इसको ड्रॉ करते हो आप लोग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को, और इसको आपने यूज करके क्या निकाला था, अपने वेव फंक्शन को निकाला था, वहां से आप लोगों ने बाकी सब चीजें निकाल दी थी। लेकिन रियलिटी के अंदर आपका सिस्टम ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोग अपने HI मॉलिक्यूल को हीट देते रहोगे, उसके वाइब्रेशन एनर्जी लेवल को इंक्रीज करते रहोगे, तो एक टाइम आपके पास ऐसा आएगा कि ये जो एटम है ये इतना तेज वाइब्रेट कर रहा होगा,
होगा कि ये बॉन्ड को तोड़ के कहाँ चला जाएगा, बॉन्ड तोड़ के डिसोशिएट हो जाएगा, यानी कि आपका जो बॉन्ड होता है एच और आई के बीच का, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। लेकिन इस पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ की हेल्प से आप लोग इस डिसोशिएशन को नहीं दिखा सकते, लेकिन थर्मल डिसोशिएशन होता है, इसको आप लोग लैब के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हो। इसीलिए आपके पास क्या आया था, आपके पास ये वाला ग्राफ आ गया, इसको क्या बोलते हो, मोर्स पोटेंशियल ग्राफ बोलते हो, आपसे क्या पढ़ते हो, रियल सिस्टम को पढ़ते हो। अब बेसिकली आपके पास यहाँ पर क्या हुआ, सिस्टम आपके पास आइडिया था ऐसा होता, लेकिन अब आपके पास हो गया रियल हो गया, यानी कि आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल गया, डेविएशन देखने को मिल गया, जिसका डायग्राम मैंने यहाँ पर अलग से बनाया हुआ है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है आइडियल सिस्टम, ये आपके पास क्या शो कर रहा है, आपको शो कर रहा है रियल सिस्टम, यानी कि जब आप लोग आइडियल से रियल के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पर ये डेविएशन देखने को मिलेगा। अब अगर ये डेविएशन आपके पास स्मॉल होता है तो आप लोग यूज करते हो पर्टर्बेशन को, लेकिन अगर आपका ये डेविएशन लार्ज होता है तो आप लोग क्या यूज करने वाले हो, वेरिएशन प्रिंसिपल को यूज करने वाले हो। अगर मैं इस ग्राफ को ध्यान से क्या ड्रॉ करते हो, यहाँ पर ड्रॉ करते हो आप लोग एक्स को, यहाँ पर क्या ड्रॉ करते हो आप लोग पोटेंशियल एनर्जी को ड्रॉ करते हो, और पोटेंशियल एनर्जी क्वांटम के अंदर क्या आपके पास एक ऑपरेटर है, यानी कि डेविएशन आपने कहां पर देखा है, ऑपरेटर की फॉर्म के अंदर देखा है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम के अंदर ही आपके पास डेविएशन होगा, आपके पास बाकी सब सिस्टम के अंदर डेविएशन हो सकता है। जैसे कि जब आपने पढ़ा था पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल को, तो हमारे पास बॉक्स है था जीरो से एल लेंथ, हमारे पास बॉक्स था, इसके अंदर का जो आपके पास वीडियो आपके पास क्या था, जीरो था, और अभी अभी आपने कहा है कि आप लोग ऑपरेटर के अंदर डेविएशन को देखते हो, यानी कि आपके पास यहां पर किसकी बात करने वाले हो, एनर्जी की बात करोगे, एनर्जी आप लोग निकालने वाले यूनिट 2 के अंदर, और एनर्जी आपके पास ऑपरेटर क्या होता है, हैमिल्टोनियन का ऑपरेटर होता है, यानी बेसिकली आप लोग यूनिट नंबर 2 के अंदर हैमिल्टोनियन के अंदर कितना डेविएशन आया है उसी को देखने वाले हो। अगर आपके पास यहां पर v इक्वल टू 0 है अंदर की तरफ, तो आप लोग क्या लिखते हो अपने हैमिल्टोनियन को, आपका ऑपरेटर क्या हो जाएगा, माइनस का h कट का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m इनटू में लैप्लेशन का स्क्वायर। अब क्योंकि पोटेंशियल जीरो, लोग क्या लिखते हो यहां पर, प्लस का 0 लगाते हो। लेकिन अगर आपका बॉक्स कुछ इस टाइप का हो जाएगा, जहां पर आपके पास 0 से l बाय 2, तो आपके पास v क्या है, इक्वल टू 0 है, लेकिन l बाय 2 से l के लिए पास v क्या है, आपके पास v है, यानी कि x 0 से l बाय 2 जाओगे क्या, आपके पास v इक्वल टू 0 है, लेकिन l बाय 2 से l में जाओगे आपके पास क्या बन जाएगा, v इक्वल टू v बन जाएगा। और अगर आप लोग इस सिचुएशन के लिए, इस सिचुएशन के लिए चाहते हो अपने हैमिल्टोनियन को, तो आपका हैमिल्टोनियन क्या बन जाएगा, माइनस का h कट का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m इनटू में लैप्लेशन ऑपरेटर का स्क्वायर प्लस का v। अब यहां पर आपको v साथ में लेना पड़ेगा, और क्योंकि अब आपका हैमिल्टोनियन चेंज हो गया है, तो आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा। यहां पर आपके पास हैमिल्टोनियन आपके पास ये था, इसका आपने आगे जाकर यूज किया, वहां से आपने क्या निकाला था, अपने फंक्शन को निकाल लिया था, लेकिन क्योंकि अब आपका यहां पर हैमिल्टोनियन चेंज हो गया है, तो आप लोग इस फंक्शन को यूज नहीं कर सकते, आपको एक नया फंक्शन निकालना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका सिस्टम हो जाता है आइडियल से डेविएट, तो आपके पास ऑपरेटर के अंदर भी डेविएशन आ जाता है, और थ्रू दैट डेविएशन इन ऑपरेटर आप लोग बाकी सब चीजों को निकालने वाले हो। कैसे निकालते हो, उन सब चीजों पर बात करने वाले आप लोग इस कोर्स के अंदर। उसके पहले मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक और एग्जांपल मैंने आपको दिखाया हुआ है कि ऑपरेटर के अंदर किस तरीके से चेंज आ सकता है। लेट्स से हाइड्रोजन एटम इज प्लेस्ड अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द हैमिल्टोनियन इज, आपको इस टाइप का हैमिल्टोनियन दिया होगा हाइड्रोजन एटम के लिए। अब जब आप लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोजन एटम को, तो वहां पर मैंने क्या देखा था, आपका जो था हैमिल्टोनियन का था वो आपके पास माइनस का h कट स्क्वायर अपॉन में 2m लैप्लेशन का स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन r, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या था, इतना सा हैमिल्टोनियन था। लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि अगर आप लोग अपने हाइड्रोजन एटम को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हो, तो उसका हैमिल्टोनियन आपके पास क्या आ रहा है, उसका आपने हैमिल्टोनियन दे रखा है ये वाला, यानी कि आपके पास जो यहां पर स्टार्टिंग वाला पार्ट है, इतना पार्ट जो आपके पास है, ये आपके पास क्या है, आइडियल सिस्टम का ही है। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, बोल देता हूं एच नोट, यहां पर नोट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नोट रिप्रेजेंट कर रहा है आइडियल सिस्टम को, यानी कि इतना आपके पास किसके कोरस्पॉन्डिंग है, आइडियल के कोरस्पॉन्डिंग है। और यहां पर मैंने यहां पर एक एडिशन टर्म दे दिया, यानी कि आपके पास यहां पर क्या है, ये डेविएशन है आपके इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के अंदर। अब क्योंकि यहां पर डेविएशन आ गया है, तो आपका हैमिल्टोनियन चेंज हो गया है, यानी कि अब आपने जो फंक्शन पढ़े हुए हैं स्टार्टिंग के अंदर, उसको आप लोग यहां पर यूज नहीं कर सकते, इसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास एक अलग ही फंक्शन होगा, जिसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास एक अलग ही एनर्जी आएगी, जिसको आपको निकालना है इस यूनिट के अंदर। तो कैसे निकालोगे, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं, लेकिन पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर आपका सिलेबस क्या है, किस तरीके से हम लोग यहां पर कवर करने वाले इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन सब चीजों की बात हम लोग कर लेते हैं यहां पर पहले। तो मैंने यहां पर लिखी हुई है क्वांटम केमिस्ट्री नंबर 2, और मैंने यहां पर लिखा हुआ है 4 से 8 मार्क्स, जनरली वो आपसे हर साल 6 से या फिर 8 मार्क्स के बीच पूछता है, लेकिन मैंने यहां पर 4 लिखा हुआ टू बी ऑन द सेफर साइड, अगर आपके पास कभी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन हर साल आपके पास यहां से क्वेश्चन आएंगे 6 से लेकर 8 मार्क्स तक। दो क्वेश्चन आते हैं आपके पास 4-4 मार्क्स के, फिर आपके पास 4 मार्क्स का, और जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके पास बहुत ही ईजी आएगा। अगर आपके पास यहां से आए न्यूमेरिकल, तो वो 4 मार्क्स का ही गारंटी आएगा, कोई स्टेटमेंट वाइज डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो आपके पास 2 मार्क्स का आ सकता है। तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है सेफर साइड के लिए 4 से लेकर 8 मार्क्स, सिलेबस क्या है इसका, मैंने यहां पर लिखा हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट से, अप्रोक्सीमेट मेथड्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, वेरिएशन प्रिंसिपल आपको पढ़ना है, और पर्टर्बेशन थ्योरी अप टू सेकंड ऑर्डर, तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर को भी कवर करेंगे और सेकंड ऑर्डर को भी कवर करेंगे इन एनर्जी एंड उसकी एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन आपके पास यही है कि आप लोग वहां से क्या निकाल सकते हो, वेव फंक्शन को निकाल सकते हो, वहां से क्या निकाल सकते हो, आप लोग अपनी एनर्जी को निकाल सकते हो। हम लोग कैसे कवर करने वाले हैं, हम लोग कवर करेंगे, हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, पर्टर्बेशन पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फिर क्या करेंगे हम लोग सेकंड ऑर्डर के लिए पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वेरिएशन प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन भी कहां देख लेंगे हम लोग, यहीं पर ही देख लेंगे। अब जो बातें मैंने आपको बताई थी वो मैंने यहां पर लिखी हुई है कि आपको एप्रोक्सीमेशन मेथड की जरूरत क्यों पड़ती है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड इन क्वांटम मैकेनिक्स कैन नॉट बी सॉल्व एक्जैक्टली, एक्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन एग्जिस्ट ओनली फॉर फ्यू आइडियलाइज्ड सिस्टम।
To solve general problems, yani ke real problems, we have to focus on approximation methods. A variety of approximation methods are developed, but to study the problem of stationary state corresponding to time independent Hamiltonian, three approximation methods are widely used. जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं नंबर 2 वहां पर मैं क्या बात कर रहा था कि आपके पास इक्वेशन कैसे आने वाली है, ये टाइम इंडिपेंडेंट आने वाली है. और अगर रियल प्रॉब्लम्स के लिए आपको इसको पढ़ना है तो आपके पास यहां पर क्या है, तीन मेथड्स है. कौन-कौन से मेथड है आपके पास? पर्टरबेशन मेथड है, वेरिएशनल मेथड आपके पास क्या है, WKB एप्रोक्सीमेशन मेथड है. अब ये आपके पास सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन हम लोग पर्टरबेशन को भी पढ़ने वाले हैं और वेरिएशन प्रिंसिपल को भी पढ़ने वाले हैं. ये आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि आपके पास तीन मेथड्स होते हैं. वैसे तो हम लोग यहां पर सिर्फ और सिर्फ दो को ही पढ़ेंगे और दोनों आपके पास बहुत ईजी है. अगर आपको यूनिट 1 आती है, आपको सारे रिजल्ट्स याद हैं कि पार्टी इन बोसमोलर रिजल्ट क्या थे, एचओ रिजल्ट क्या थे, हाइड्रोजन एटम रिजल्ट्स क्या थे, तो आपको यूनिट बहुत ज्यादा इजी लगने वाली है. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सबसे पहले मेथड से, जो कि आपके पास यहां पर क्या है, पर्टरबेशन मेथड है. इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट प्रॉब्लम वी विश टू सॉल्व इज इन सम सेंस स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व एग्जैक्टली. अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब आपके पास हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ था, आपके पास हैमिल्टन कैसा आया था, कुछ आपके पास आया था जो आपके पास कैसा था, आइडियल सिस्टम के लिए था. उसके बाद मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ था, प्लस के अंदर कुछ एक और टर्म मैंने यहां पर लिखी हुई थी. अगर आप लोग अपने हैमिल्टोनियन को इस तरीके से ब्रेक कर पाते हो कि आप लोग आइडियल को अलग लिख पाओ और बाकी वाले टर्म को लिख पाओ अलग, तो उसको आप लोग क्या बोलते हो, स्मॉल डेविएशन बोलते हो. अगर आप लोग अपने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को इस टाइप से रिप्रेजेंट कर पाओ कि आइडियल वाला आपने अलग से कर दिया और बाकी को आप लोग यहां पर अलग से कर लेते हो, तो आप लोग क्या बोलते हो, स्मॉल डेविएशन बोलते हो. और अगर आप लोग अपने ऑपरेटर को इस टाइप से लिख पाते हो तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पर्टरबेशन से ही सॉल्व करेंगे. आपने क्या कहा था कि अगर डेविएशन होता है स्मॉल तो आप लोग क्या यूज करते हो, पर्टरबेशन को यूज करते हो. तो इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट प्रॉब्लम वी विश टू सॉल्व इज इन सम सेंस स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व एग्जैक्टली. जिसको हम लोग एग्जैक्ट सॉल्व कर रहे थे उससे बिल्कुल स्लाइटली क्या यहां पर चेंज हो रहा है. इन द केस वेयर द डेविएशन बिटवीन द टू प्रॉब्लम रियल एंड आइडियल इज स्मॉल. जब रियल प्रॉब्लम के लिए और आइडियल के लिए जो डेविएशन होता है बस कैसा होता है, वो स्मॉल डेविएशन आपके पास यहां पर होता है. दिस मेथड इज सुटेबल टू कैलकुलेटिंग द कंट्रीब्यूशन एसोसिएटेड विद द डेविएशन. आपके पास जो यहां पर डेविएशन हुआ है उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, उसको निकालने के लिए ये मेथड बहुत इजी होता है. इस पॉइंट को समझेंगे, लेकिन पहले पढ़ते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट को. पॉइंट क्या है आपके पास यहां पर, दिस कंट्रीब्यूशन इज एडेड एज ए करेक्शन टू एनर्जी एंड वेव फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू एग्जैक्टली सॉल्वेबल हैमिल्टोनियन. मान लेते हैं कि आपके पास हैमिल्टोनियन कैसा है, कुछ आपके पास इस टाइप का हैमिल्टोनियन है जिसको आप लोग क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो अपने आइडियल सिस्टम के लिए. और आप साथ में क्या करते हो, यहां पर डेविएशन को भी आप लोग यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हो डेल्टा एच से. रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बाद में बात करेंगे. मैंने यहां पर क्या लिया, इसको डेविएशन बोल दिया. ये मैंने यहां पर क्या बोल दिया, अपना जो आइडियल सिस्टम था उसका आपने क्या कर दिया, उसको अलग से लिख दिया. तो यानी कि आप लोग अपने नए हैमिल्टोनियन को कुछ इस टाइप से शो कर सकते हो, एच इज इक्वल टू एच नॉट प्लस का डेल्टा एच. अब ये आपके पास क्या है, आइडियल सिस्टम के लिए है. इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको सारे के सारे रिजल्ट पहले से ही याद है. अगर आप लोग इसके कोरस्पॉन्डिंग भी रिजल्ट को निकाल पाते हो, उसके बाद हम लोग इसको और इसको एड कर देंगे, इसका मतलब आप लोग कंप्लीट हैमिल्टोनियन को भी निकाल पाते हो. मान लेते हैं कि आप लोग क्या निकाल रहे हो, एनर्जी को निकाल रहे हो. तो अगर आपको आइडियल सिस्टम पता है, यानी कि आपको इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या पता, आपको यहां पर इसके कोरस्पॉन्डिंग अपनी एनर्जी को पता है, यानी कि आप लोग ई नोट को आपके बारे में पता है, लेकिन इस डेविएशन के कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास एनर्जी आएगी, अगर मैं उसको क्या बोल रहा हूं, डेल्टा ई बोल रहा हूं, और उसके बाद अगर मैं इस ई नोट के अंदर इस डेल्टा ई को ऐड कर दूं, आपके पास क्या निकल जाएगी, यहां पर एनर्जी निकल जाएगी कोरस्पॉन्डिंग टू दिस हैमिल्टोनियन. यानी कि पर्टरबेशन मेथड हम लोग क्या करते हैं, जो आपके पास यहां पर करेक्शन होती है ऑपरेटर के अंदर, उस ऑपरेटर के जो आपके पास करेक्शन होती है, हम लोग क्या निकालने वाले हैं, बाकी सब चीजों को निकालने वाले हैं. यानी कि अगर आपका हैमिल्टोनियन लिखा हुआ है H इज इक्वल टू H नॉट प्लस का डेल्टा H, तो इस डेल्टा H से हम लोग क्या निकालेंगे, अपने डेल्टा E को निकाल लेंगे, यानी कि करेक्शन इन एनर्जी निकालेंगे. या फिर हम लोग क्या निकालेंगे, डेल्टा साई को निकालेंगे, यानी कि आपके वेव फंक्शन के अंदर क्या करेक्शन होगी. और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर अपने आइडियल वाले पार्ट को ऐड कर देंगे और आपके पास क्या निकल जाएगा, नया वाला फंक्शन निकल जाएगा. इस तरीके से आप लोग यहां पर सारी चीजों को करते हो. आपके डेल्टा E के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, E नोट को ऐड कर देंगे, और डेल्टा साई के अंदर क्या कर देंगे, हम लोग साई नोट को ऐड कर देंगे. और E नोट और साई नोट आपको बताया, क्योंकि आप लोग यूनिट नंबर 1 के अंदर आइडियल सिस्टम को सॉल्व कैसे करते हैं वो आपको सब कुछ पता चल गया. तो उसके रिजल्ट्स हम लोग यहां पर डायरेक्टली यूज करने वाले हैं. तो यूनिट 1 के अंदर आपके पास चार मॉडल्स थे, उनके जो भी रिजल्ट्स हैं एनर्जी के, वो आपको हर वक्त याद होने चाहिए, तभी आप लोग यूनिट को अच्छे से कवर कर पाओगे. पर्टरबेशन थ्योरी बिल्ड ऑन एग्जैक्ट सॉल्यूशन टू सॉल्व और टू ऑब्टेन द एप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन. हम लोग यहां से क्या निकालने वाले हैं, एप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकालने वाले हैं. दोज प्रॉब्लम्स आर सॉल्वेबल बाय पर्टरबेशन थ्योरी व्हिच हैमिल्टोनियन कैन बी रिड्यूस्ड इजीली टू एग्जैक्ट सॉल्वेबल पार्ट एंड ए स्मॉल करेक्शन. मैंने अभी आपसे कहा है कि अगर आपका हैमिल्टोनियन को आप लोग ब्रेक कर पाते हो आइडियल प्लस में स्मॉल करेक्शन, तभी आप लोग क्या यूज करने वाले हो, पर्टरबेशन को यूज करने वाले हो. लेट अस कंसीडर, मैंने यहां पर क्या किया हुआ है, कंसीडर किया हुआ है अपनी इक्वेशन श्रोडिंगर इक्वेशन को. मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, एच नोट इनटू में साई एन नोट इज इक्वल टू ई एन नोट साई एन का नोट. अब मैंने इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके थ्रू ही आपको यहां पर सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं. तो मैंने यहां पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एच नोट लिखा हुआ है. इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं हैमिल्टोनियन कोरस्पॉन्डिंग टू आइडियल सिस्टम. जब भी आप लोग यहां पर देखने वाले हो नोट को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये
आइडियल सिस्टम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। साई एन नोड़ा पास यहाँ पर क्या होने वाला है, वेव फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू एक्जैक्टली सॉल्वेबल सिस्टम। ई एन नोड़ा पास क्या होगा, एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू एक्जैक्टली सॉल्वेबल सिस्टम। और साई नोड़ा पास यहाँ पर क्या होने वाला है, वेव फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू एक्जैक्टली सॉल्वेबल सिस्टम। यहाँ पर पास क्या है, साइन नोट, यहाँ पर पास क्या है, साइन नोट ही है। तो यहाँ पर पास क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि जब जब आप लोग लगाने वाले हो नोट को, आप लोग बात करने वाले हो आइडियल सिस्टम को, और इसको कैसे सोल्व करते हैं ये आपको पता है। लेकिन अगर आपके हैमिल्टोनियन के अंदर कोई पर्टर्बेशन आ गया तो आपके पास क्या बन जाएगा, इफ हैमिल्टोनियन इज पर्टर्ब बाय अमाउंट डेल्टा एच इन रियल प्रॉब्लम देन द न्यू हैमिल्टोनियन विल बी एच बार इज इक्वलेंट टू एच नोट प्लस का डेल्टा एच। यहाँ पे पास क्या है, आइडियल के लिए ही है, और यहाँ पे पास क्या है, यहाँ पर डेविएशन है। यानी कि आप लोग यहाँ पर अपने हैमिल्टोनियन को ब्रेक करके लिख रहे हो आइडियल वाले में प्लस का डेविएशन। और अगर आप लोग इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो तभी आप लोग पर्टर्बेशन के मेथड को यूज कर सकते हो। देन वी हैव टू ऑब्टेन द इफेक्ट ऑफ दिस हैमिल्टोनियन करेक्टेड पार्ट ऑफ हैमिल्टोनियन ऑन एनर्जी एंड फंक्शन। अगर आपके पास मान लेते हैं कि ये डेल्टा एच नहीं होता है, यानी कि सिर्फ आपके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ आइडियल सिस्टम है, तो यहां से आप लोग क्या निकाल सकते हो, अपनी एनर्जी को भी निकाल सकते हो, और आप लोग क्या निकाल सकते हो, अपने फंक्शन को भी निकाल सकते हो। लेकिन अब आपके पास यहां पर ये डेल्टा एच है, आपके पास यहां पर ये डेविएशन है, तो इस डेविएशन की वजह से आपके इस एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा और इस फंक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, उसको आप लोग क्या निकालते हो, पर्टर्बेशन मेथड के अंदर निकालते हो। इफ करेक्शन इन एनर्जी इज डेल्टा ई, मान लेते हैं कि यहां पर क्या निकल कर आया, ई नोट निकल कर आया है, और इस डेल्टा एच की वजह से आपके पास क्या निकल कर आ गया, एनर्जी के अंदर डेल्टा ई निकल कर आ गया। और यहां पर निकल आया साई नोट निकल कर आया, लेकिन यहां पर डेल्टा एच क्या निकल कर आपके पास, यहां पर डेल्टा ऑफ साई भी निकल कर आ गया। तो आपके पास न्यू एनर्जी और न्यू फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, ई एन आपके पास क्या हो जाएगा, ई एन नोट प्लस का डेल्टा ई एन। उस डेल्टा एच की वजह से डेल्टा आपके पास हैमिल्टोनियन के अंदर कितना चेंज आया, उससे मैंने क्या निकाल लिया, डेल्टा ई एन को निकाल दिया, उसको मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा आइडियल वाले पार्ट के अंदर। आप लोग क्या निकाल पाओगे, यहां पर ई एन को निकाल पाओगे, और आपके पास जो नया फंक्शन क्या बन जाएगा, साई एन इज इक्वल टू साई एन नोट प्लस का डेल्टा साई एन। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, कैसे लिखा है, वो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि मैं किस चीज से यहां पर क्या लिख रहा हूं और इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं। तो मैं यहां पर इस ईएन को क्या बोलने वाला हूं, इस ईएन को मैं क्या बोलूंगा, टोटल एनर्जी आफ्टर पर्टर्बेशन। पर्टर्बेशन करने के बाद आपकी टोटल एनर्जी क्या बन गई है। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ डेल्टा ईएन की बात करूं, उसमें मैं क्या बोलने वाला हूं, करेक्शन इन एनर्जी। ये आपके पास क्या है, करेक्शन इन एनर्जी, ये आपके पास क्या, करेक्शन इन एनर्जी। और ये आपके पास क्या होने वाली है, टोटल एनर्जी होने वाली है आफ्टर पर्टर्बेशन। और क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन रखेगा कि वो आपसे क्या पूछ रहा है, कि वो आपसे टोटल एनर्जी पूछ रहा है या फिर करेक्टेड एनर्जी पूछ रहा है, यानी कि करेक्शन एनर्जी पूछ रहा है। जो वो पूछ रहा है उसके हिसाब से ही आपको आंसर देना है कि वो आपसे डेल्टा ई एन पूछ रहा है या फिर आपसे क्या पूछ रहा है, टोटल एनर्जी पूछ रहा है। तो ये तो मुझे याद है यूनिट नंबर वन से, आप लोग यहां पर क्या कैलकुलेट करोगे, आप लोग कैलकुलेट करने वाले डेल्टा ई एन। अगर आपने डेल्टा ई एन को कैलकुलेट कर लिया और क्वेश्चन से क्या पूछ रहा है, करेक्शन ही पूछ रहा है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर यही हो जाएगा। लेकिन अगर उसने टोटल पूछ लिया तो क्या करोगे, वहां पर इस ई नोट को आपको यहां पर ऐड करना पड़ेगा। तो आपके पास यहां पर क्या है, टोटल एनर्जी आफ्टर पर्टर्बेशन, डेल्टा ई एन आपके पास यहां पर क्या है, करेक्शन एनर्जी। सेम उस तरीके से साइन क्या है, टोटल फंक्शन आफ्टर पर्टर्बेशन, और डेल्टा साइन आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्शन इन वेव फंक्शन। अब इसको किस तरीके से रीड कर रहा हूं, नोट क्या है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप लोग यहां पर आगे बढ़ पाओगे। तो जितना ही मैंने आपको आज बताया आपको पता होना चाहिए था कि कैसे कैसे हम लोग यहां पर पढ़ने वाले नंबर टू के अंदर। तो आई होप कि आपको क्लास पसंद आएगी, कैसे हम लोग चीजों को निकालते, हम लोग सीखने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल के ऊपर नए हो सब्सक्राइब नहीं कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करते हो बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे भी मैं यहां पर कोई नया लेक्चर अपलोड करूं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।